यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। विजन न्यूज की अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं हूं कानिता इम्तियाज और मेरे साथ मौजूद हैं मुकद्दस इफ्तिखार। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंगल के रोज रात गए कराची में नौजवान एंकर पर्सन मुरीद अब्बास को लेन देन के तनाजे पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। कत्ल किए जाने वाले निजी चैनल के एंकर पर्सन मुरीद अब्बास मियाँ वाली की एक किसान फैमिली से ताल्लुक रखते थे। 13 साल की उम्र में मियाँ वाली से कराची मुंतकिल हुए और फिर एक बंगले में काम करने लगे। कराची के साहिल हॉक्स बे के नजदीक समंदर में डूबने वाले दो अफराद की तलाश के लिए पाक बहरिया का सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि पाक बहरिया की दो कश्तियां डूबने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। इसके अलावा पाक बहरिया का सीकिंग हेलीकॉप्टर भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सादकाबाद में अकबर एक्सप्रेस को पेश आने वाले हादसे पर इजहार अफसोस किया है। एक बयान में बिलावल भुट्टो का कहना था कि ट्रेन हादसों पर इस्तीफों की वजीर आजम इमरान खान ने बहुत मिसालें दी, क्या वो अब इस हादसे पर अपने वजीर रेलवे शेख रशीद से इस्तीफा लेंगे। कराची के साहिल हॉक्स बे के इलाके मंझार के करीब दो अफराद समंदर में नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू जराए के मुताबिक डूबने वाले अफराद को समंदर से निकालने के लिए ईदी के माहिर गोताखोर मौके पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने इन दोनों की समंदर में तलाश का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका की एक झील पर खतरनाक पानी के भगोले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलियंस की झील पर एक खतरनाक तूफानी भगोला जमीन से आसमान तक पानी और हवा के दायरे में घूमता दिखाई दिया। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने रवां वर्ल्ड कप के दौरान जाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी पर फास्ट बॉलर आफताब आलम पर एक साल की पाबंदी आयद कर दी। फास्ट बॉलर पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर एक साल पाबंदी का फैसला अफगान क्रिकेट बोर्ड की डिसिप्लिनरी कमेटी की जानिब से तहकीकात के बाद किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।